सरकार तर्क दे रही है कि गोपनीयता बढ़ती गई, इस वजह से तकनीकी बदलाव नहीं किए गए एटीएम में, लेकिन लोगों को नोट के बदले लाठियां मिल रही हैं। जी हां, आज लोग आए तो थे नोट बदली कराने पर, बदले में मिली पुलिस की लाठियां। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुरैना में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो देश के नोट संकट को बयां करने के लिए काफी है। नोट के लिए हो रही है यहां मारामारी। लोग आए थे स्टेट बैंक में पैसा बदलने, लेकिन बदले में मिली पुलिस की लाठियां। तस्वीरें हरियाणा के नूह की हैं, जहां लोगों की इतनी भीड़ नोट बदलने के लिए पहुंच गई कि पुलिस से संभले नहीं संभला, और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब हरियाणा के बाद आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। ये देखिए मुरैना में बैंक के बाहर का ये नजारा। पैसा बदलने के लिए लाइन में खड़े लोगों को पुलिस पीट रही है। पोरसा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये लोग पैसा बदलने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन पुलिस वालों ने अपने जानने वालों को बैंक में भेजना शुरू कर दिया, जिसका बाकी लोगों ने विरोध किया, और उसी विरोध का नतीजा ये हुआ कि पुलिस वालों ने लाइन में खड़े लोगों को पीट दिया। अब इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बाहर लाइन में खड़े लोगों को जैसे ही मालूम हुआ कि बैंक 4:30 बजे बंद हो जाएगा, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सिर्फ हंगामा नारेबाजी से लोगों का मन नहीं माना तो बैंक के बाहर रखे गमलों को उठाकर तोड़ दिया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बाहर कतारबद्ध लोग अचानक उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। आज शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास, जब उनको पता चला कि बैंक बंद होने वाला है। ये देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के बाहर है, बाहर लगे गमलों के साथ लोगों ने तोड़फोड़ की, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गमलों को तोड़कर। लाइन में लगे थे लोग, आए कि ये पैसा नहीं, बैंक अब बंद हो रहा है। लोग कहा कि 8 बजे तक, पता चला है कि 8 बजे तक खुलेगा, तो नहीं हुआ तो उग्र हो गए लोग। एक दो लेडीज को धक्का वगैरह भी लगा। अच्छा। लोग हाथापाई कर दिए। एक तो अपना पैसा बदलने के लिए लोग बैंक में दिन भर खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें बदले में मिल रही है पुलिस की लाठियां।